नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 हम देख रहे हैं और ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ध्यान से हमें समझना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं। ओके, क्वेश्चन में गिवन है अ स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ स्टूडेंट फिक्स अ वाइट शीट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड, ही प्लेस अ बार मैग्नेट एट द सेंटर एंड स्प्रिंकल्स सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट, देन ही टैप जेंटली एंड ऑब्जर्व दैट द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन अ सर्टन पैटर्न। फर्स्ट आंसर हमें देना है। ओके, तो क्वेश्चन है व्हाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। ओके, हमें पता है आयरन जो है, आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब कि अगर आयरन को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो हर एक पार्टिकल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, एक पोल नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, दूसरा साउथ की तरह बिहेव करेगा। हम लिख सकते हैं ईच पार्टिकल बिहेव लाइक मैग्नेट, बिहेव लाइक मैग्नेट। ओके, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और अगर हमने एक बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ ये साउथ, तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स उसकी बनेगी, उस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में है ना, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में वो अलाइन होगी। ओके, क्योंकि वो खुद एक मैग्नेट है, तो किस डायरेक्शन में अलाइन होगी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में अलाइन होगी। आया समझ में? तो सारी आयरन फिलिंग जो होगी इस डायरेक्शन में, जैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनती है उसी डायरेक्शन में अलाइन होगी। तो ये हमको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देती है कि किसी आयरन बार मैग्नेट का, किसी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे बनेगा। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ईच पार्टिकल बिहेव लाइक मैग्नेट एंड अरेंज देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ बी पार्ट इन फ्रंट ऑफ अस, बी पार्ट क्या बोल रहा है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिकेटेड बाय द पैटर्न, ऑलरेडी वी हैव डिफाइन दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय बी वेक्टर, ओके, मेजर्ड इन टेस्ला। सो मैग्नेटिक फील्ड बी पार्ट हुआ। सी पार्ट हम यहाँ लिख लेते हैं, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो पहला प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं दे फॉर्म क्लोज कर्व। ठीक है, इनसाइड द मैग्नेट वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, और आउटसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ इनसाइड, और आउटसाइड द मैग्नेट वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वापिस से लिख लेते हैं, एक दूसरे से वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। ओके, दैट इज द आंसर। थैंक यू।